हेमंत की रसोई। हेमंत की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त हेमंत। दोस्तों आज हम बनाएंगे वेज नवाबी हांडी। वेज नवाबी हांडी में आप अपनी पसंद की सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करते हैं इसे नवाबी टच देने के लिए। तो आइए हम देखते हैं इसे हमें घर में कैसे बनाना है। दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। नवाबी वेज बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। इस पेस्ट को बनाने के लिए हमने 3 मीडियम साइज की प्याज का बरिस्ता बनाया है, मतलब इसे हमने पतला पतला काट कर फ्राई कर लिया है। अब साथ में इसमें हम डालेंगे 8 से 10 बादाम और 8 से 10 काजू जिन्हें हमने हल्का रोस्ट कर लिया है। अब इसका हम एक पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हमने पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसे हम साइड में रख लेते हैं, इसका यूज हम ग्रेवी में करेंगे। अब हम कुछ सब्जियों को स्टर फ्राई करेंगे। अभी हमने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। सबसे पहले हम कुछ ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने 10 से 15 काजू ले लिए हैं, इसे स्प्लिट कर लिया है। गैस की फ्लेम को आप यहाँ पर लो में रखें क्योंकि काजू बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, कुछ ही सेकेंड्स लगता है इन्हें, तो ये जले नहीं। काजू यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल कर रख लेते हैं। ये देखिए बस हमें इन्हें इतना ही फ्राई करना है। अब हम 10 से 15 किशमिश को भी फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो ही रखें, किशमिश भी बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, कुछ ही सेकंड्स लगेंगे इसे। यहाँ पर किशमिश भी फ्राई हो चुकी है, ये देखिए कितने अच्छे से फूल गई है, इन्हें भी हम निकाल कर रख लेते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ सब्जियों को फ्राई करेंगे। सब्जियां यहाँ आप अपने पसंद की रख सकते हैं, जो भी सब्जियां आपको खाने में पसंद हो आप उसका यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम 100 ग्राम गोभी डालेंगे, साथ में हम डालेंगे 100 ग्राम गाजर और साथ ही में जाएगी 100 ग्राम शिमला मिर्च। इन्हें हमें हाफ कुक करना है, इन्हें स्टिर फ्राई कर लेंगे हम। हाफ कुक करेंगे, अध कच्चा रखेंगे। इन सब्जियों के साथ साथ में हम 50 ग्राम बीन्स भी डाल देंगे। साथ में हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक ताकि सब्जियां जल्दी पक जाएं और इनमें एक टेस्ट बन जाए। एक बार इसे अच्छे से चम्मच चला दीजिए। अभी सब्जियां हाफ कुक्ड हो चुकी हैं। अब इसमें हम डालेंगे मटर। यहां पर मैं फ्रोजन मटर का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये 100 ग्राम है। इन्हें हम लास्ट में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और ये जल्दी पक जाएंगे, इसलिए इसका इस्तेमाल हम लास्ट में कर रहे हैं। इसे भी एक बार चम्मच चला दीजिए अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। बस अब अगले 1 मिनट के लिए हल्दी पाउडर को हम थोड़ा सा पका लेंगे। सब्जियां यहां पर रेडी हो चुकी हैं। अभी सब्जी रेडी हो चुकी हैं। अब इन्हें हम निकाल कर एक साइड में रख लेंगे। अभी हम सेम कढ़ाई में जिसमें हमने सब्जियों को स्टर फ्राई किया है उसी में 1 टेबल स्पून ऑयल और ले लेंगे। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। 1 चम्मच जीरा, 4 से 5 काली मिर्च, 1 इलायची, 3 लौंग, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के और 1 तेज पत्ता। जैसे ही खड़े मसाले थोड़े से स्पटर हो जाएंगे, थोड़े से तिड़क जाएंगे, इसमें हम 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमें कुछ सेकेंड के लिए पका लेना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अदरक लहसुन के पकने के बाद इसमें हम 2 टमाटर को प्यूरी बना के डालेंगे, साथ में 1 टेबल स्पून टोमेटो सॉस डालेंगे और इसी के साथ जाएगा इसमें आधी टीस्पून नमक। अब हमें यहां पर टमाटर को अच्छे से भून लेना है, अच्छे से पका लेना है जब तक इसमें से ऑयल ना सेपरेट हो जाए। यहां पर टमाटर बहुत अच्छे से पक चुके हैं, इसमें से ऑयल सेपरेट हो गया। अब इसमें हम 3 हरी मिर्च को काट कर डाल देंगे। आप यहाँ पर इन्हें बारीक भी काट सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार इसे आप बढ़ा या घटा भी सकते हैं, जितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं। और साथ में हम अनियन का पेस्ट जो हमने तैयार करके रखा था वो डाल देंगे। मिक्सी के जार में जो थोड़ा सा मसाला था उसमें हम थोड़ा पानी डालकर उसे भी साथ में ले लेंगे। कुछ भी चीज़ हमें यहाँ पे वेस्ट नहीं करनी है। इसे एक बार अच्छे से चम्मच चला दीजिए। अब
अब इस मसाले को हम बिल्कुल लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि काजू और बादाम भी इसमें अच्छे से पक जाएं और उनका जो रॉ टेस्ट है वो भी इसमें से निकल जाए। यहाँ पर पेस्ट भी अच्छे से भून चुका है। अब हम कुछ पेसे मसाले का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून नॉर्मल मिर्च का पाउडर डालेंगे रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे, 2 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे। इसे एक बार अच्छे से मिला दीजिए। अब हम इस मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से ऑयल ना सेपरेट हो जाए। यहां पर मसाला अच्छे से भून चुका है, इसमें से ऑयल सेपरेट हो गया। अब इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे। इसे एक बार अच्छे से चम्मच चला दीजिए। अब इसमें हम फ्राई की हुई सब्जियां डाल देंगे। इसे एक बार चम्मच चला दीजिए, सब्जियों को अच्छे से मिला दीजिए मसाले में। अब गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे और 15 मिनट के लिए इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हम ढककर दम लगाएंगे। अभी सब्जी को पकाते हुए 15 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें हम 1 टीस्पून घर की फ्रेश मलाई डालेंगे। आप चाहें तो क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। गरम मसाला पाउडर हमेशा लास्ट में डालें। और जो काजू किशमिश हमने फ्राई करके रखे हुए वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसे एक बार अच्छे से चम्मच चला दीजिए। अब इसे हम बस अगले 1 मिनट के लिए और स्लो फ्लेम में पका लेंगे। अभी गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। तो दोस्तों यहां पर वेज नवाबी हांडी बनकर रेडी है। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके अपने घर में वेज नवाबी हांडी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखा दोस्तों आपने, कितना आसान है बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा वेज नवाबी हांडी घर में बनाने को। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।